हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कानपुर देहात के बारे में बताऊंगा। वैसे तो देखा जाए तो कानपुर जो है एक महानगर शहर है जो कि लखनऊ के पास में आता है, और कानपुर शहर जितना बड़ा है उससे ज़्यादा कानपुर देहात है। कानपुर देहात काफ़ी जगह फैला हुआ है, बड़ी जगह में फैला है कानपुर देहात। तो वैसे ही कानपुर देहात में डेरापुर आता है जिसका नाम गांव का है और गांव का नाम है डेरापुर, और यह एक तहसील मुख्यालय भी है डेरापुर। और डेरापुर जाने के लिए आपको दो रास्ते से जाना पड़ता है। या तो आप अगर ट्रेन से जाते हैं तो आपको लालपुर स्टेशन, एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ उतरना पड़ेगा, और वह भी आपको सुपरफास्ट ट्रेन से नहीं, क्योंकि सुपरफास्ट मेल ट्रेनों का वहाँ पर स्टॉपेज नहीं रहते हैं, तो आपको पैसेंजर ट्रेन में ही आना पड़ेगा। जो पैसेंजर ट्रेन है वही लालपुर स्टेशन पे रुकती है, छोटा सा स्टेशन है जो जितने भी, तो आपको लालपुर स्टेशन में उतरना पड़ेगा, और वहाँ से अकबरपुर आपको 10-15 रुपए वहाँ से लगेंगे अकबरपुर जाने के। फिर आप अकबरपुर आएंगे, फिर अकबरपुर से आपको 20 रुपए लगेंगे टेम्पो के, फिर अकबरपुर से रूरा जाना पड़ेगा आपको, और रूरा से फिर आपको 25-30 रुपए लगेंगे, तब आप जाके डेरापुर पहुँचेंगे। तो यह मैंने आपको डेरापुर जाने का रास्ता बताया है। और डेरापुर जो है कि उसकी एक विशेष खासियत है जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। जब भगवान श्री कृष्ण और वाणासुर में युद्ध हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे अपना डेरा डाला था, तभी से इसका नाम डेरापुर पड़ गया है। यह बात जो है कि जो डेरापुर में रहता है सिर्फ उन्हीं लोगों को यह बात मालूम है, बाकी अधिकतर लोगों को यह बात नहीं मालूम है। और डेरापुर के एक जो बहुत सारे गांव निकलते हैं, रास्ते कटते हैं वहाँ से गांवों के, और वह एक पहाड़ी इलाका है, नदी का इलाका है, तो वहाँ पर बहुत ही जंगल, घनघोर जंगल, पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा है, और रात के समय वहाँ दिन में ही काफ़ी सुनसान वीराना रहता है, और रात के समय तो आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। डेरापुर में कोर्ट भी है, कोर्ट के अलावा वहाँ पे आपको डेरापुर में थाना भी मिल जाएगा, क्योंकि वह एक मुख्यालय है। तो डेरापुर एक कस्बा भी है और एक मुख्यालय भी है, और वहाँ पर आपको साग सब्जी से लेके हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। मतलब ये है कि जिस प्रकार से रूरा है वैसे ही डेरापुर भी है। पर अगर आपको ट्रेन से सफ़र करना है तो फिर आपको रूरा स्टेशन ही आना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है सिर्फ रूरा में ही है। बाकी यह सब रूरा, डेरापुर, अकबरपुर सब एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है कम ज़्यादा का। बाकी रेलवे स्टेशन सिर्फ आपको रूरा के अंदर ही मिलेगा। अगर आप डेरापुर में रहते हैं तो आपको सुविधा वहाँ पे सारी मिल जाएगी, रहने से लेके गांव बने हैं, गांव है, एक अच्छा खासा गांव है। पर आपको अगर कहीं ट्रेन से सफ़र करना है, कहीं भी जाना है, तो आपको रूरा आना पड़ेगा टेम्पो से। और अगर आप अकबरपुर भी रहते हैं तब भी आपको रूरा ही आना पड़ेगा कहीं ट्रेन से सफ़र जाने के लिए। तो रूरा एक बड़ा तो नहीं है, पर वह डेरापुर अकबरपुर जैसे ही है, पर वहाँ पर रेलवे स्टेशन बना हुआ है, और वहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें
और कई प्रकार की सुपरफास्ट ट्रेनें, मेल ट्रेनें, महानंदा, तूफान, कटियार, ऐसी ट्रेनें वहाँ पर रुकती हैं। तो जब भी आपको कहीं कानपुर जाना हो या इटावा की तरफ जाना हो तो आपको रूरा ही आना पड़ेगा। रूरा जो है कि एक ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा स्टेशन ही है, पर उसमें वहाँ भी आपको सारी साग सब्जी से लेके खाना पीने की, रहने की, लाइट भी 24 घंटे रहती है, हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ भी मिल जाएगी। तो आप कभी जाएं और रूरा देखें।